नमस्ते लताज किचन में मैं लता जैन आपका स्वागत करती हूँ। लौकी से बहुत सारी डिशेस बनाई जा सकती है, जैसे लौकी की सब्जी, लौकी का रायता, लौकी की खीर, लौकी के कोफ्ते। आज मैं आपके सामने बनाने जा रही हूँ लौकी के कोफ्ते। ये बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं और जल्दी से बन जाते हैं। आइए देखते हैं लौकी के कोफ्ते बनाने के लिए किन चीजों की आवश्यकता होगी। लौकी कोफ्ता करी बनाने के लिए इन चीजों की आवश्यकता होगी। 1.5 कप लौकी कद्दूकस की हुई, 4 मीडियम साइज टमाटर टुकड़ों में कटे हुए, 3/4 कप बेसन, 1 छोटा चम्मच जीरा, 1/2 छोटा चम्मच अजवाइन, 2 बड़े चम्मच ऑयल, 3/4 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, 3 हरी मिर्च टुकड़ों में कटी हुई, 1 छोटा चम्मच साबुत धनिया, 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 8-10 पत्तियां पुदीने की काटी हुई, 1/8 छोटा चम्मच हींग, 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा, 1 चुटकी बेकिंग सोडा, 2 छोटे चम्मच नमक, 15 काजू जिन्हें मैंने 2 घंटे पहले पानी में भिगो दिया था, 3/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर। ऑयल कोफ्ते फ्राई करने के लिए। आइए कोफ्ता करी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले कद्दूकस की गई लौकी में 1/2 चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा नमक मिलाएंगे। आप नमक अपने स्वादानुसार मिला सकते हैं। अब इसमें बेसन डालेंगे, 1/4 चम्मच गरम मसाला पाउडर डालेंगे, 1/4 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, पुदीने की पत्तियां डाल देंगे, थोड़ी सी हरी मिर्च डालेंगे, बेकिंग सोडा डालेंगे, साबुत धनिया डालेंगे, बहुत थोड़ी सी हल्दी डालेंगे, अजवाइन भी डाल देंगे। अब इनको मिलाएंगे। कोफ्तों का मिश्रण तैयार हो गया है। अब कढ़ाई के नीचे गैस ऑन करेंगे। ऑयल गरम हो गया है, अब हम इसमें कोफ्ते तलेंगे। गैस कम कर लेंगे, थोड़ा सा मटेरियल लेंगे, इसको हाथ से थोड़ा सा राउंड शेप देंगे और ऑयल में छोड़ देंगे। मटेरियल लेंगे, राउंड करेंगे और ऑयल में छोड़ देंगे। इसी तरह से सारी बॉल बना लेंगे। गैस को मीडियम रखेंगे। कोफ्तों को पलट देंगे और गोल्डन ब्राउन होने तक सेकेंगे। जो कोफ्ते गोल्डन ब्राउन हो गए हैं उनको हम निकाल लेंगे। ऐसे ही हम सारे कोफ्ते बना लेंगे। सारी कोफ्ता बॉल्स तैयार हो गई हैं। मैंने इसमें फ्रेश मिंट डाला है, आप इसमें सूखा पुदीना भी डाल सकते हैं। अब हम कोफ्तों के लिए ग्रेवी तैयार करते हैं। इसके लिए हम एक मिक्सी में टमाटर, अदरक, हरी मिर्च और काजू
इनको बारीक पीसेंगे। टमाटर, काजू, हरी मिर्च, अदरक का पेस्ट बनकर तैयार है। अब हम एक नॉन स्टिक पैन लेंगे। पैन के नीचे गैस ऑन करेंगे। पैन में ऑयल डाल देंगे। ऑयल को गर्म होने देंगे। ऑयल में एक दो दाना जीरे का डालकर देखेंगे। ऑयल गर्म हो गया है, अब हम इसमें जीरा डाल देंगे। हींग भी डाल देंगे। लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे और इसमें पेस्ट डाल देंगे। पेस्ट को चलाते हुए भूनेंगे। गैस मीडियम रखेंगे। इसमें हल्दी पाउडर डाल देंगे, नमक डाल देंगे। पेस्ट को ऑयल सेपरेट होने तक भूनेंगे। ऑयल सेपरेट होने लगा है, अब इसमें गरम मसाला पाउडर भी डाल देंगे। मसाले में 2 कप पानी डालेंगे। अब ग्रेवी को 1 उबाल आने तक पकाएंगे। ग्रेवी में बड़ा सुंदर कलर आया है। ग्रेवी में उबाल आने लगा है, अब हम गैस कम कर देंगे और ग्रेवी में कोफ्तों को डाल देंगे। आप अपने स्वादानुसार कम ज्यादा गाढ़ी ग्रेवी बना सकते हैं। कम पानी भी डाल सकते हैं और ज्यादा भी डाल सकते हैं। अब हम 5 मिनट कोफ्तों को पकाएंगे। 5 मिनट हो चुके हैं, अब हम गैस बंद कर देंगे और कोफ्तों को 10 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। 10 मिनट हो चुके हैं, अब हम अपने कोफ्तों को चेक करते हैं। कोफ्तों ने ग्रेवी को एब्जॉर्ब कर लिया है। अब हम एक सर्विंग बॉल में कोफ्ते निकाल लेंगे। लौकी के कोफ्ते बनकर तैयार हैं। इन्हें हम चपाती, पराठा, पूरी, नान या चावल के साथ सर्व कर सकते हैं। लौकी कोफ्ता करी हम मेहमानों के आने पर भी बना सकते हैं। लौकी कोफ्ता करी देखने के लिए आपका धन्यवाद।